हेलो, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी? फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं मुलाजम हूँ सरकारी, तो मैं ये पंगा लिया थोड़ा यार, दुहाड़ा जिक लाया मूंगी का। जी 14 तारीख में ना मैं बिजाई की थी कणक के बाद, तो मेरा जेड़ा है मैं ये पूछना सीगा कि दो कनाल थान जेड़ा वो तो है सी वत्तर बिल्कुल ठीक, तो दो कनाल जेड़ा वत्तर थोड़ा जा खुश्क हो गया सी, ठीक। तो 4 दिन हो गए अज हजे ना कोई पूरी नहीं निकली मूंगी ना, कोई कोई थोड़ा थोड़ा दाना किसी निकलिया, तो मैं दोबारा पानी ला दा या की करा वास्ते की बेहतर रहेगा? पहली तो गल ये कि ये मौसम जेड़ा है ना, एदा वो तो गुजर गया है। मूंगी दा अगली जड़ी वो बारिया मौसम ते फरवरी मार्च वाला तुसी खुजा दिते है, ते हुण लाई है, ते जड़ी होनी है जिथे वत्तर होना है वो ते उग पई होनी है, ते सुक्की थां ते कुछ है नहीं उगदी ना। हाँ जी, वो तो ठीक है, दोबारा पानी ला दें। वैसे मैं थोड़ा जहा ना जमीन हिला भी देखा ना, हाँ जी, तो तमाम बीज जेहड़े उगे है हाँ या जी, कहीं बाहर नहीं आए, हाँ लेकिन ना थोड़ा जहा जेड़ा है कह दो कोई अद्धे घंटे के उत्ते तकरीबन बीज जितने भी आए ना नजर वो उगे है ने, तो ऐसे निकल आएंगे या मैं पानी ला दें? पानी उधर निकलने चाहिए ने, लेकिन एक है जमीन जड़ी है वो बिल्कुल खुश्क तो नहीं हो गई, वत्तर नहीं, बिल्कुल खुश्क नहीं सी हुई जी, है जिस तरह उधर। किसी वत्तर है जेड़ा है ना, वत्तर थोड़ा जा खुश्क हो गया सी जदों बिजाई की थी ना, थोड़ा जा इतना ज्यादा नहीं, तो जेड़ा एक जिमीदार पहला कहता ना रोनी पहले की मैंने थी, देखी है रोन वत्तर मते उगा हुआ। रोनी करके ही लाया है ना। हाँ जी, रोनी करके तो हाँ वत्तर थोड़ा जा खुश्क हो गया सी, जिथे साडे बुजुर्ग कहते ना वत्तर बिल्कुल ठीक हुंदा, उतों थोड़ा जा खुश्क हो गया सी, हाँ ज्यादा नहीं नहीं, तो नहीं वो बस बीज जिसले जेड़े उगे है। वत्तर खुश्क हो जाए ना, तो फिर जरा बीम वो जाहिर है उन्होंने मॉइस्चर चाहिए होंगी है, पानी हाँ जी, मिलेगा, रुतुबत मिलेगी तो फिर वो हाँ होंगे। तो मैं बी को इदा ही घंटा भेज रहा सी, मैं चलो जे वत्र खुशका तो बी थोड़ा जा भेज लीए पानी विच ना, अद्धा हाँ, घंटा तो पीए हूँ पीए भेज पानी रहा। अगर देखो थोड़े को ते बाहर दे अगर होंदा ते उत्थे ते असीं स्प्रिंकलर वगैरह नाल स्प्रिंकल करा देने आ, ते ओदे नाल गुजारा हो जाता है। इत्थे ते फ्लड इरीगेशन है ना, ये ते हाँ पूरा जी, हाँ पानी जी, है ते सारे दा सारा यहाँ ते बड़ा पतली जी कोई पानी दा लगे थोड़ा जा हल्का जा, सर लेकिन पतला जिया तुहानू पता वाहन नू किथे लगदा, ना जी किथे लगदा ओदे मुश्किल वाहन नू तो पूरा भर के लगना, नहीं। हुण लेकिन बस कितने पर ये भी कि चौकी होंदी है ना। दुआ करो अल्लाह करे ये निकलावे, नहीं निकलती तो कोई गल नहीं है, अगू तैयारी करो अगली जड़ी ते इस असल मौसमी जड़ी है ना, हाँ जी, मौसमी मूंग ओदी तैयारी करो, वटो बस। गया सी यूपी सर जो है एक ना दोस्त मेरा, वो मैं पहले तो मेरी कणक वड के पैली वेली पई रहिंदी है कि अपने दिन के खेत, ठीक तो मैं उन्होंने मशवरा लेने गया मैं यार कि मैंने सब्जी वगैरह दस मैं की लावा कि चलो थोड़े बहुत खर्चे ना रले रहिंदे आ, तो हाँ जी वो मैं कहता है कि भी सब्जी तो फिलहाल कोई एड्डी खास नहीं, लोबिया वगैरह लाएगा भी तो जिन्ह ने पैसे कमाने उन्होंने तो लख रहा, हाँ तो मूंगी का बीज मौसम चल रहा तो ला दे, मैं तो उसे कहने ला दी ना, पढ़ाई फिर भी चलो, मैं दोहरा की है चलो तजर्बा कर लीए बाकी उदा ही सही है। हाँ और मेरी जान मैं जितने तजर्बे उन्हों का निचोड़ तो मेरे प्रोग्रामा च मिलेगा जी, वो, प्रोग्राम देख के मैं नंबर लिया ना उतो तुहाडा। हाँ वो मेरी जान तुसी इदा है। हुण तो बस दुआ ही कर सकने हैं, क्योंकि पानी अगर लाया तो सारे का सारा ही खत्म हो जानी है, ते हुण जो कुछ कर बैठे है वो दुआ करना कि अल्लाह बेहतर करे, अगर कोई बारिश हो जाती है हल्की फुल्की तो फिर तो निकल आएगी इंशाल्लाह। ठीक, बारिशें तो उदा उत्ते हुई एक दो हल्कियां हल्कियां बस हुई हल्की, बस हल्की होनी चाहिए है, ते अल्लाह फजल करेगा और दुआ भी करांगा, लेकिन एक अगू तैयारी करो दूसरी। ठीक है, चलो अगे दूसरी हाँ दूसरी।
दूसरा मैं प्रोग्राम देखो ना, मैं तो हूँ राती भी दो प्रोग्राम किते आ, एक वो जड़ा एक कसीरुल फसलाती काश्त जड़ी है, वो तुसी हाँ जी प्रोग्राम देखोगे ना ओदे च बकायदा मैं दस्या कि किदा तुसी अगो जून दे विच अगर 28 जून तू लैके 26 सितंबर तक एक फसल लै सकते हो, ओदे ते बेशक तुसी पालक ला लो, भिंडी ला लो, लोबिया ला लो हैं, या मूली ला लो, ते लेकिन हाँ बड़े तजर्बे किते आ लोकां ने। फिर उस तो बाद जदों ये खत्म होए 26 सितंबर नू, ते नाल ही 29 सितंबर नू आलू ला लो, आलू गड़ लो, आलूआं तो बाद वो जनाब तुसी 7 फरवरी नू फारग हो जाएगी जमीन, 6 फरवरी 7 फरवरी नू, 7 फरवरी नू फारग करके उस तो बाद एक दिहाड़ नहीं पानी दे अगू तुसी आलू फिर ला सकते हो, करेले ला सकते हो हैं। मुख्तलिफ मैं ऑप्शंस दितियां जड़ियां साल दे विच तीन किदां लिया जांदियां ने चीजा, और इदां ही मैं एक होर दिता हैगा कि साल दे विच चार फसलां किदां लिया जांदियां और केड़ियां केड़ियां लिया जांदियां। तो मेरी जान है, तुसी अराई हो या जाट हो? नहीं जी जाटो नहीं हो। जाट हो तो जटां दा ते वो वैसे ही नहीं सब्जियां लांदे, मैं निक्का जेही सां ते वो मैं बड़ी पढ़ पुढ़ के जो गया ते फिर मैं आखिया घर दिया नु कि यार कोई सब्जियां सुब्जियां, उन्हें कहा असी केड़ा राइयां यार, खुदा दा नाम है। ओ इन्हें असी ता ही ते पिछे रह गए हां। इदा है कि अगर देखो गल ए हुण जट ते राइयां जो हुण जिसले जरात करनी है ते फिर देखना है कि एक साल दे विच वध तो वध जेड़ा है वो किदा फायदा लिया जा सकता है, बिल्कुल जी, जिम्मेदार का हम फायदा ही ज्यादा सी। जिमीदार का फायदा ही तदा। वो इसे वास्ते मैं हुण लगा कोशिश करन कि यार ए इन्हां नूं इन्नियां की ऑप्शंस दे दियां, इन्नियां की दे दियां कि याद करन लोकी ओ ए दुनिया दे आरजी जी है बिल्कुल जी बिल्कुल, नाम ते। चल जाना बंदे का। हाँ लेकिन एक हुण सानू जटा नू भी जड़ा है ना वो थोड़ी जिया अपनिया आदतां थोड़ियां जिया करनी बदलनिया वो बदलनी पैनिया हुण, कदों कणक ते मकई ते या कमाद ते नहीं ना रहना हुण, हाँ ये बिल्कुल, साढ़े वटकिया तो सारी उम्र कणका ही रहे हैं। सारी उम्र कणका ते इस करके सानू तो हुण पता ही कुछ नहीं ना, ओ वटकिया तो इन्हें सिर्फ हुण पानी मैं वाला। इदा ना मैं देखना ये जिन्ने जिन्ने तजर्बे हुए आ इन्हों का इन्ना फायदा है, यकीन करो मैं हुण राती दो प्रोग्राम दो नमूने दिते आ, ये जिदे च हाँ जी एक साल च तीन फसलां, ये पहला नमूना दिता फिर दूजा दिता, इदा ही एक साल दे विच चार फसलां लैण दा नमूना दिता, क्यों ना होए असी इन्हां तों फायदा उठाइए, इन्हां दे इलम तों जिहड़ी इन्हां रिसर्च कीती आ, ते अल्लाह फजल करेगा। हुण तां तुसी तैयारी करो बिस्मिल्ला करके, अगर तुसी लानी है ना मूंगी ते हाँ जी अगों जिहड़ी हो गई ठीक है, जिहड़ी ना होई ते अगू जिहड़ी हल चलाओगे ना जो तैयारी करोगे, जिहड़ी उगी भी हुई उहनूं दबा देना जमीन दे विच, एक सब्ज खाद ही बण जाऊगी, ठीक है ना। चलो कोई गल, ओ कोनी जाया नहीं जाती मेरी जान, है फिक्र ही नहीं करना, हुण अगों मूंगी जड़ी लानी है वो मेरे को पुछ के मेरे प्रोग्राम देखना है, वो इदा है कि हुण भगोश गो कि नहीं करनी है, खुदा दे बंदे हो ये हुण बायो जोट मिल जाती है बायो खाद, ओदे नाल ट्रीट करके जिसले लाओगे ना तुसी देखना तुसी किदां इहदी पैदावार वधदी है। सही उग पे तो रख ला के वाह हाँ लिया। नहीं, फिर बिस्मिल्ला करके अगर उग पैंदी है तो रख लो फिर हुण की कीता जाए, लेकिन एक नहीं बेहतर सही है हो गया ये सही कि आइए आइए अब इंतजार करो बिस्मिल्ला करके।
ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੈਸੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਲੀ ਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਹਦੇ ਫਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਸੇ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ 25 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 21 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ 21 ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਧਰਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੇ ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 73 ਚੱਕ ਹੈ ਜੀ ਚਪਾਲ ਅੱਛਾ ਚੁੱਪ ਚੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਜਾਈਏ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ BSc ਆਨਰਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ MSc ਆਨਰਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਯੂਬ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ MSc ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਪਿਕਟੀਨੋਫੋਰਾ ਗੁਸੀਪੀਆਲਾ ਪਿੰਕ ਬੋਲਵਮ ਹੈ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਝੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਝੰਗ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਛੱਤ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾ ਆ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗਏ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਆ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਹੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਹਰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਗ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 5000 ਤੇ 5,606 ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 5607ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤਹਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਤਫ ਅੱਛਾ ਆਤਫ ਚਲ ਆਤਫ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਇਖਤਤਾਮ ਇਸ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹਰੇਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਸੇ ਮਰਵੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ
किसी औरत के लिए जायज, ये जायज नहीं है कि वो खामद की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा रखे, और ना ये जायज है कि उसकी इजाजत के बगैर किसी को उसके घर में आने की इजाजत दे। बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूं, दुआओं में याद रखें। फी मान पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।